हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं नमकीन मठरी की ऐसी रेसिपी जिसका टेस्ट और बनाने का तरीका दोनों ही बिल्कुल यूनिक होगा। इसको खाकर आपको दुकान की याद आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक बॉल में लिया है 1 कप आटा, जिसमें कि आधा मैदा और आधा आटा है, तो दोनों को मिला के 1 कप लिया है मैंने। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के सूजी, ये थोड़ा क्रिस्प बनाता है इसको, तो वो डाल रही हूँ मैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी चीनी, जो कि टेस्ट को बहुत अच्छा बैलेंस करता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दरदरी कुटी हुई काली मिर्च थोड़ी सी, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाथों से रगड़ के थोड़ी सी अजवाइन, और इसके बाद कसूरी मेथी, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, इसमें ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, सबको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसका मोयन लगाएंगे। तो मोयन आप घी या ऑयल किसी से भी लगाइए, मैं इसमें मोयन ऑयल से डाल रही हूँ। और ये देखिए, और इसको पूरे आटे में मिक्स करेंगे हम, और बीच में देखेंगे अगर हमें मोयन थोड़ा कम लगा तो और डालेंगे। तो इसको बिल्कुल क्रम्बल करते हुए पूरे आटे में मिक्स करेंगे हम। और ये देखिए, मैंने थोड़ा और ऑयल डाला था, तो ये देखिए ये आटा बंधने लगा है, मतलब ये अच्छा मोयन डल चुका है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो तैयार करना है हमें, इसका थोड़ा टाइट डो तैयार करना है हमें, जैसे आमतौर पर नमकीन का आटा हम लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और ये देखिए, आटा हमारा रेडी हो गया। तो इसको ढक के 10 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक हम इधर एक कटोरी में ले रहे हैं 2 चम्मच मैदा, और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, और इन दोनों को अच्छे से फेंटेंगे। एक गाढ़ा घोल तैयार करना है हमें, थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा ये, इसे साटा भी कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे देखिए ये हो गया। तो इसको साइड में रखते हैं, यहाँ पर आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। एक बार फिर से इसको मसल के हम चिकना कर लेंगे। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो इसकी बड़ी लोई बनाई है मैंने, क्योंकि हमें नमकीन बनाना है। और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे, और उसके बाद हम इस साटे को इस रोटी पे पूरे रोटी के ऊपर से अप्लाई करेंगे बहुत अच्छे से। तो इसको हाथों से कर रही हूँ मैं, ताकि ये बहुत अच्छे से हो जाए। इसका अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके लेयर जो हैं वो अच्छे निकलेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम इसे किनारे से मोड़ेंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे, और फिर दूसरे किनारे से, ये देखिए, और फिर इसके ऊपर से भी हम इस साटे को लगाएंगे। तो एक तरफ लगा रही हूँ मैं, और फिर ये दूसरी तरफ। इसके बाद हम ऊपर से मोड़ेंगे इसको, फिर नीचे से, और ये बिल्कुल चौगोल पराठे की तरह हो गया। तो इसको फिर से हम बेलेंगे, ये देखिए। तो इसको बेल लिया है मैंने, और फिर से दोनों तरफ जो है हम इस साटे को लगाएंगे। तो एक तरफ देखिए मैं लगा रही हूँ लंबाई में, और फिर दूसरे तरफ, और हम फिर से इसको मोड़ेंगे, ये देखिए। तो एक तरफ मैं मोड़ रही हूँ, और फिर दूसरी तरफ से मोड़ रही हूँ, और इसको हाथों से थोड़ा सा दबा दीजिए। और अब हम इसे इसका नमकीन काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको काट रही हूँ, तो इसे लंबे आकार में काटेंगे हम। तो ये हो गया। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम सारे नमकीन को बना लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था, और इसको मैं लो फ्लेम पे करके इस नमकीन को इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे नमकीन डालते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, और तब मैं नमकीन डाल रही हूँ इसमें, और डालने के 1 मिनट बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो लो टू मीडियम पे ही इसे हमें तलना है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा आँच देख के करिए, और लो टू मीडियम पे तलेंगे हम। और जब हमें थोड़ा सा ब्राउन करना होगा तो लास्ट में हम इसे हाई फ्लेम करेंगे। तो यहाँ पे तल रही हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा हम हिलाते रहेंगे बीच बीच में उलट पलट के, ताकि चारों तरफ इसका कलर जो है वो एक सा आए। और ये देखिए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है, और अब हम इसे हाई फ्लेम करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसी प्रोसेस से हम सारे नमकीन को तल लेंगे। तो आँच का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप अपने हिसाब से, और तब आप नमकीन तलिए, ये बहुत ही अच्छा और क्रिस्प बनेगा। तो बिल्कुल दुकान जैसी फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी मठरी बनके तैयार है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा,
और बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।